अगर आप इंडस्ट्री के नजारे से देखें तो आप, मैं मिस इंडिया को भी उसी में समझती हूँ, इंडस्ट्री के मतलब अंदर ही आता है। तो आई बिन क्राउन्ड मिस इंडिया एज वेल। मेरा जो पॉडकास्ट है उसको भी अवार्ड मिला है। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, पार्टियों में या अवार्ड फंक्शन में, सब मुझसे बात करते हैं। अगर लगा लगा भी होगा तो मैंने वो बात छोड़ दी है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम नॉट वेलकम, बिकॉज आई थिंक दैट इंडस्ट्री इंडस्ट्री होती है, और आपके मेरे जितने भी सक्सेसेस हैं, आई ओ टू द इंडस्ट्री एंड आई ओ इट टू द पीपल इन द इंडस्ट्री। जितने भी मौके आए हैं, मैंने खुद के नहीं बनाए, मैंने खुद को बनाया है, लेकिन मौके को मैंने नहीं बनाया जो अपॉर्चुनिटीज आई। सो आई थिंक दैट इट कभी कभी शायद ऐसे लगा, लेकिन वो मेरी आइडिया नहीं थी। आई थिंक दैट वो बहुत जो मैंने पढ़ी है लोगों से, ये नेपोटिज्म ऐसे होता है, ये वो वगैरह वगैरह, शायद है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ। बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, आई डोंट लाइक टू पॉइंट फिंगर्स कि ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, हर किसी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होती है। आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर हम अपने माँ बाप के बिजनेस में काम करते हैं। आई थिंक कि तीन कैटेगरी है कि एक जो एक्टिंग एक्टिंग जो आप कह रहे हो, और एक जो स्टारडम के लिए, और एक जो बीच में जो दोनों करते हैं, जो दे वॉक दैट लाइन वेरी वेल, जैसे कि राइट, प्रियंका, प्रियंका यस, यू नो, रणवीर, वो दोनों है, दे ऑल वॉक बोथ लाइन। एंड प्योर स्टारडम आई थिंक वो साउथ के जो एक्टर होते हैं, पवन कल्याण, रजनीकांत, उनका जो स्टारडम गॉडलीवुड की तरह होता है ना, तो वो भी। और मैं पवन कल्याण के साथ में काम कर चुका। मुझे याद है कि जब हम उस फिल्म का, जो पंजा का जो फिल्म का हम ऑडियो रिलीज कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि ऑडियो रिलीज का वेन्यू क्या है, तो उन्होंने कहा मैडम स्टेडियम। मैडम, तो मैंने कहा स्टेडियम मतलब स्टेडियम को फायर कर रहे हैं ऑडियो रिलीज के लिए। मैंने कहा ये क्या है, बाप रे। तो इतने लोग थे, सोचो कि उन लोगों ने स्टेडियम को हायर की थी ऑडियो रिलीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है, बेहतरीन एक्ट्रेस सारा जेन डियाज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी हालिया सीरीज मेड इन हेवन खूब चर्चे में रही, खूब बातचीत हुई। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत सारा ड्यू देखता हूँ कि आपकी जो काबिलियत है उसका आपको आपको इस्तेमाल नहीं किया फिल्म मेकर्स ने, आपकी एबिलिटी का, आपके आपके अंदर जो कलाकारी है उसका। तो आपका सवाल तो आप मेरी इस बात से आप बस मुझे सहमत हैं? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे तो इस कॉम्प्लीमेंट का सवाल यही है कि आपको लगता है जो मैं बात कह रहा हूं उसमें आप कहीं सहमत हैं कहीं पर? मैं इसमें सहमत हूँ कि हाँ, मैं जब कोई भी किरदार निभाना चाहती हूँ तो उसमें मेरा बहुत ही एफर्टलेस परफॉर्मेंस, ऐसे आपको लगता है, क्योंकि एफर्टलेस परफॉर्मेंस ही है। मैं प्रेपरेशन काफी करती हूँ, ताकि जब मैं एक्चुअली कैमरा के सामने जब मैं आती हूँ, तब आई एम एबल टू स्विच ऑफ माई माइंड, ताकि मैं बिल्कुल प्रेजेंट रहूँ मोमेंट में। और मैं बचपन से स्टेज पे रही हूँ, या स्टेज पे, यू नो, एज अ चाइल्ड एलोक्यूशन में, या एज कॉलेज में फैशन शो या ड्रामे स्किट, ये सब मैं बहुत करती थी। कॉलेज के लिए काफी नाम भी कमाया था मैंने, और कमाई थी मैंने। और इसलिए आपको ऐसे लगता है कि जब मैं कोई भी कैरेक्टर निभा रही हूँ, किरदार निभा रही हूँ, तो आपको ऐसे लगता है कि काफी एफर्टलेस है, और मैं बहुत घुस जाती हूँ उस कैरेक्टर के दिमाग के अंदर, उस कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होती है एक्टर के लिए कि आप दोनों कैसे बैलेंस करें, कि कहाँ आप एंड होते हो और कहाँ ये कैरेक्टर शुरू होती है। तो इट्स अ नाइस गेम दैट यू प्ले। हेलेन मिरिन जो हॉलीवुड एक्टर है, जो एक उसने मास्टर क्लास की थी, मास्टर क्लास का जो ऐप है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे होता है सेट पे, लाइक थ्रू द कैमरा, इट्स लाइक अ डांस, कोरियोग्राफ डांस जो आप करते हैं। तो एक चीज वो, और दूसरा कि दूसरी चीज की मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कह रहे हो कि आपको लगता है कि मुझे मेरा ड्यू, फुल ड्यू नहीं मिला है। और आप, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हो, और आप जैसे काफी लोग हैं चाहते हैं, जो
वो मुझे और भी दिखे स्क्रीन पे, जो उनको देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं बहुत खुशी से आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे दो फिल्म आने वाले हैं, दो और फिल्म साइन किया मैंने। और आई थिंक कि मैं ऊपर वाले पे मैं बहुत मानती हूँ उनको, तो आई बिलीव कि ऐसे जो भी मौके आते हैं वो टाइम पे ही आते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ड्यू नहीं मिला है या मिला है, वो मेरे हाथ में नहीं। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है आई गिव माई बेस्ट, और उसके अलावा मैं बाकी का तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। सो आई थिंक दैट जो भी मुझे मिला है आज तक वो सही ही मिला है, और अगर और मिलेगा तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो वो भी ठीक है। तो दैट इज द आंसर टू योर। चूक, मैं कहूंगा कौन सी चूक है। कई बार हम करियर में ना कुछ चीजों को या तो लेजीनेस की वजह से नहीं करते हैं, या तो संकोच की वजह से नहीं करते हैं कि मैं यार मैंने काम ही नहीं मांगा किसी और से कि मुझे काम दो, मैसेज ही नहीं किया। मैं ऐसी पार्टियों में नहीं गई जहां पर लोग मुझे देखते और बोलते अरे ये इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं आता क्योंकि हमको दिखाई नहीं देती। तो हम उस पर बात करते हैं कि कौन कौन सी चूक है जो आपको पता नहीं कि आपने की है। की है या नहीं की है? देखिए, चूक की है मतलब वो गलती आपसे हो गई है जिसकी वजह से वो मतलब और काम और बेहतर काम अच्छा, और लोगों। मैं समझ गई, मैं समझ गई। नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में कहावत है, लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब है कि यू ट्राई एवरीथिंग ना, मैंने सब कुछ ट्राई किया। तो इसलिए मैं आपसे, आप जब ये सवाल कर रहे थे तो मैं आपकी सोच रही थी कि मैंने कुछ ऐसे किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, सबको मैसेज किया, सबको कॉल किया, सब पार्टीज में गई हूँ, सब अवार्ड में गई हूँ, पीआर किया है, ये किया है, वो किया, सोशल मीडिया में सब कुछ किया है। तो मैं कभी भी, जब मैं रात को सोने जाती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं सोच सकती हूँ कि मैंने, यार मुझे ये ट्राई करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा नहीं होता, नहीं कि मेरे अंदर बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, ताकि जब मैं एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं अपनी साथ में, मैं अपने खुद के साथ जब मैं बैठती हूँ, मेडिटेशन में बैठती हूँ, जब मैं प्रे करने बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, तो आई हैव नो रिग्रेट। और इसी वजह से मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मुझे, मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि जो भी किया मैंने बहुत ही गुड इंटेंशन से मैंने किया है, बहुत सोच समझ के किया है, और बहुत ही हार्ड वर्किंग एस्पेक्ट से मैंने किया है, ग्रीड से नहीं किया। कभी कभी हाँ, ग्रीड से भी किया है, कभी कभी ऐसे से भी किया है कि मुझे इनसिक्योरिटी हुई कि इनको काम क्यों मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मैंने चेक किया कि ये किसके साथ काम कर रहे हैं, ये कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, ये डायरेक्टर कौन है, और मैंने अलग से उनको मैसेज किया है। लेकिन जिंदगी में मैंने कभी भी किसी और के, क्रैब मेंटेलिटी बोलते हैं ना, किसी और के टांग खींच के ऊपर चढ़ने का, मैंने ये नहीं किया है, मुझे होता नहीं, आई वॉज नॉट ब्रॉट अप। फिर मैं एक सवाल करता हूँ अपने आप से कि यार जब मैं इतना टैलेंटेड हूँ और मैंने सब कुछ कर लिया, सबको मैसेज किया, काम मंगा, पार्टियों में गई, अवार्ड में भी गई, देखिए, तो फिर इंडस्ट्री किस तरीके से मुझे उतने गले मतलब दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपनाएगी, वो क्या चाहती है, इंडस्ट्री की मानसिकता क्या है, कभी मैं ये भी सोचती हूँ या सोचता हूँ। नहीं, आज की इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कसके पकड़ी है। मुझे इस साल, आई मीन यू, आई थिंक यू नो दिस ऑलरेडी, आई वन इस साल शुरू में, मैंने दिसंबर में एक्चुअली आई वन दी इंटरनेशनल, सॉरी, द इंडियन टेलीविजन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज। और आप इंडस्ट्री के, अगर आप इंडस्ट्री के नजारे से देखें तो आप, मैं मिस इंडिया को भी उसी में समझती हूँ, इंडस्ट्री के मतलब अंदर ही आता है, तो आई बिन क्राउन्ड मिस इंडिया एज वेल। मेरा जो पॉडकास्ट है उसको भी अवार्ड मिला है। मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, पार्टियों में या अवार्ड फंक्शन में, सब मुझसे बात करते हैं, सब, यू नो, इट्स अ वेरी, NMACC का भी जब मैंने होस्टिंग किया था, यू नो, टू बी इंक्लूडेड इन दैट कम्युनिटी ऑफ पीपल, यही तो आप इसलिए तो इंक्लूडेड हो क्योंकि आप रेलेवेंट हो और आप एक्सेप्टेड हो। तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा है कि, अगर लगा लगा भी होगा तो मैंने वो बात छोड़ दी है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम नॉट वेलकम, बिकॉज आई थिंक दैट इंडस्ट्री इंडस्ट्री होती है, और आपके, मेरे जितने भी सक्सेसेस हैं, आई ओ टू द इंडस्ट्री एंड आई ओ इट टू द पीपल इन द इंडस्ट्री। जितने भी मौके आए हैं, मैंने खुद के नहीं बनाए, मैंने खुद को बनाया है, लेकिन मौके को मैंने नहीं बनाया, जो अपॉर्चुनिटीज आई है।
सो आई थिंक दैट इट कभी कभी शायद ऐसे लगा, लेकिन वो मेरी आइडिया नहीं थी। आई थिंक दैट वो बहुत जो मैंने पढ़ी है लोगों से, नेपोटिज्म ऐसे होता है, ये वो वगैरह वगैरह शायद है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानती बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, आई डोंट लाइक टू पॉइंट फिंगर्स कि ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ हर किसी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होती है। आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर हम अपने माँ बाप के बिजनेस में काम करते हैं, ये दिस पार्ट ऑफ आर कल्चर राइट। तो यस इट इज हार्ड, मुश्किल होती है, लेकिन हमें खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद के एक्शन को देखने चाहिए। एंड सो आई डोंट एनी मोर बिलीव दैट मुझे वेलकमिंग फीलिंग नहीं मिला है इंडस्ट्री से। एक्टिंग एक्टिंग के लिए फेवरेट होते हैं और एक स्टारडम के लिए फेवरेट होते हैं यार, उनका स्टार जोन बहुत अच्छा लगता है, स्टार वाले और एक एक्टिंग वाले आई ऊपर। थिंक कि आई थिंक कि तीन कैटेगरी है कि एक जो एक्टिंग एक्टिंग जो आप कह रहे हो, और एक जो स्टारडम के लिए, और एक जो बीच में जो दोनों करते हैं, जो दे वॉक दैट लाइन वेरी वेल, जैसे कि दीपिका राइट, प्रियंका यस, यू नो रणवीर, वो दोनों है, दे ऑल वॉक बोथ लाइन। इरफान जी तो यू नो फॉर मी इज प्योर एक्टिंग, आई डोंट थिंक ही रियली केयर्ड अबाउट स्टारडम एट ऑल, सो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट साइड। नसीर साहब एज वेल, दिस इज ऑल दैट सॉर्ट ऑफ वेरी एक्टिंग एक्टिंग स्टार, तो वो बन ही गए, बट आई थिंक दैट फॉर देम इट वाज मोर अबाउट द एक्टिंग। एंड प्योर स्टारडम आई थिंक वो साउथ के जो एक्टर होते हैं, पवन कल्याण, रजनीकांत, उनका जो स्टारडम गॉडलीवुड की तरह होता है ना, तो वो भी। और मैं पवन कल्याण के साथ में काम कर चुका, और मुझे याद है कि जब हम उस फिल्म का, जो पंजा का जो फिल्म का हम ऑडियो रिलीज कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि ऑडियो रिलीज का वेन्यू क्या है, तो उन्होंने कहा मैडम स्टेडियम, मैडम। तो मैंने कहा स्टेडियम मतलब, तो स्टेडियम को फायर कर रहे हैं ऑडियो रिलीज के लिए, मैंने कहा ये क्या है बाप रे। तो इतने लोग थे, सोचो कि उन लोगों ने स्टेडियम को हायर की थी ऑडियो रिलीज के लिए। और ये मुझे आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि उन्हें इतना, उनका पावर इतना है कि वो दे ऑलमोस्ट लाइक गॉड यू नो। सेम थिंग कमल हासन, सो सॉरी विद रजनीकांत एंड कमल हासन एक्चुअली, जिन दोनों के साथ मैंने काम नहीं किया है। मैं रजनीकांत जी से एक बार में मिली थी, ये बहुत कुछ ऐसे लगा। अमिताभ बच्चन सर के साथ भी ऐसे ही फीलिंग आती है कि यू नो लाइक देर इज दिस बींग वॉकिंग अमंगस्ट अस, तो वो भी आई थिंक फॉर मी ये तीन कैटेगरी है। रेखा रेखा को जब मैं मिली थी रेड कार्पेट पे आईफा में, तो मैं मतलब मुझे ऐसे, वो दूर से आ रही थी लेकिन उनका जो एनर्जी है मुझे ऑलरेडी फील हो रही, यू नो दैट इज दैट आप कह रहे थे ना वो स्टारडम, दैट दैट इज अनदर जोन ऑल्टुगेदर। अब वो जो लोग आपका इंटरव्यू इसलिए भी देखते हैं, जो नए नया टैलेंट होता है और एक्टिंग में आना चाहता है, कि यार सारा कैसे एक किरदार को बड़ी सहजता से प्ले करती हैं, वो टिप्स आप मुझे 2 3 5 जो आप उसको वो करके बताना चाहती हैं, वो टिप्स आप दीजिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ये चीज मैं जो जो भी नए एस्पायरिंग एक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि ये गलती मैंने की थी, जो मैं अभी सीख चुकी हूँ, कि आपको हायर किया जाता है क्योंकि आप हो, क्योंकि आप में कुछ अलग है जो किसी और में नहीं। सो देर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू बी लाइक एनीबडी अल्स। सो देर इज नो पॉइंट कि आपने, सोचो समझो एग्जाम्पल, रणवीर की फिल्म आपने देखी है, मैंने रणवीर की तरह मैं ये किरदार में निभाऊंगा, वो चलेगा नहीं, बिकॉज देन इट्स द सेम थिंग, व्हाट आर यू बीइंग हायर्ड फॉर। सो बेसिकली रूल नंबर वन, ऑलवेज स्टे ट्रू टू हु यू आर, आप बन के ही रहेंगे। आपको जो फ्रिल फैंसी डालना है वो सब ठीक है, आपको बॉडी बनाना है, स्किन को ठीक करना है, वो सब ठीक है, आपको करना है तो कर लो, बट रिमेम्बर कि ओनली यू कैन प्ले यू, एंड दैट इज वाई इट सेट यू अपार्ट, एंड दिस इज फॉर मी आई हैव लर्न द हार्ड। तो एक वो चीज, दूसरी प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर रोल्स। आप प्रेपरेशन जरूर करें, आप रिसर्च जरूर करें। और मेरे मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलता है रियल लाइफ से और रियल पीपल से, जो मुझे फिल्मों में और सीरीज में नहीं मिलता। दूसरा अपने हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखें, फिजिकल हेल्थ का,
क्योंकि आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, वो सब पे इम्पैक्ट होता है आपका परफॉर्मेंस। तो और लॉन्ग रन में, जैसे कि अभी मेरी मेरी करियर क्या 23 इयर्स का हुआ है, यू नो 2 डेकेड ऑफ इंडस्ट्री करियर, तो आई एम एबल टू डू इट बिकॉज आई हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ। कभी कभी ऐसे होता है कि टेक केयर करने का मौका नहीं मिलता है शूट पे, बहुत कभी कभी हम 18 घंटा शूट करते हैं, होता है ऐसे। पर ज्यादातर मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप पहले से ही आदत बनाए कि आप खुद का ख्याल रखें। तो ये 3 चीज आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज काम के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ टिप्स जब भी, तो ये आपके एकदम अलग टिप्स हैं। किसी ने अपनी सेहत के ख्याल या उस पे कभी बात नहीं की थी कि बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे अभी समझ में आया। अच्छा, कैमरे से डर वाली जो बात है, मतलब वो ना ऐसा लगता है कि इनबिल्ड है आपके अंदर, या अभय देओल के अंदर, या मैं और कुछ अभी नाम नहीं आ रहे हैं, वो कैमरे से डर, कैमरे के साथ कैसे प्ले करते हो आप, मतलब उससे कैसे डर खत्म करना है? तो एक्चुअली मैं सच में बताऊं, मुझे भी डर लगती है। जब एक्चुअली मेरे सबसे अच्छे टेक है ये, आई थिंक आई हैव सीन दिस आल्सो, जब हम रिहर्स कर रहे हैं ना, मेरे जो टेक है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है, मुझे ऐसे लगता है। तो वो एक चीज की हर इंसान को वो कॉन्शियस फील होता है कैमरा के साथ। इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिस एंड रिहर्स। तो अगर आपको वो नेचुरली, मुझे नेचुरली आती है कि मैं मेरे कॉन्शियस, मुझे कम कॉन्शियस फील होती है कंपेयर टू अदर पीपल, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कॉन्शियस फील होने वाला है, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज टू प्रैक्टिस एंड टू रिहर्स। बिकॉज रिहर्सल और प्रैक्टिस में, तो जब आप लाइन अगर आप रट के जाए सेट पे, फिर आपका एनर्जी जा सकता है कॉन्शियसनेस को कम करने, एंड यू कैन वरी अबाउट दैट। ब्रेथ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक्टर के लिए, इसलिए मेरा मेरा मानना है कि जो मैं कब से कर रही हूँ, लेकिन आजकल काफी पढ़ने को मिलता है कि योर ब्रेथ वर्क जो हम योगा और मेडिटेशन में करते हैं या क्रिया में करते हैं, वो बहुत ही यूज होता है एक्टिंग में ऑल्सो। जब क्योंकि जब आपका ब्रेथ काम है तो नर्वस फील होने का सवाल ही नहीं उठता। जब आपका ब्रेथ काम है, नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल ख्याल रखते हो, तो ना ये जो नर्वसनेस, सब उसका सवाल ही नहीं उठता। और सबसे जरूरी चीज, अपने आप को जज नहीं करने का, कभी भी नहीं। ये कहने में बहुत, मैं आसानी से ये कह सकती, मैं भी खुद जज करती हूँ कि यार तू क्या कर रही है, गलत टेक दिया तूने, लाइन याद नहीं रखती तूने, उसके ऊपर डायरेक्टर की क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर स्टाइलिस्ट की क्रिटिसिज्म। कभी कभी क्लाइंट होते हैं सेट पे, वे वे मैडम आपने ये, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, ये सब। तो उसके ऊपर अगर आप खुद को भी क्रिटिसाइज करें, खुद को भी जज करें, तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो आई थिंक डोंट जज योर सेल्फ, गो वेल प्रिपेयर्ड एंड टेक केयर ऑफ योर ब्रीदिंग। आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुझे। एक्चुअली संजय, आपके बात करते हुए मुझे अभी एक इंस्पिरेशन आई कि मुझे शायद शायद ये क्लासेस हाँ, लेनी चाहिए। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली। आपका जो अनुभव है 2 दशक का, तो मतलब बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, कभी सेट पर ज्यादा टेक होने की वजह से, जब आपने कहा कि सब लोग फिर कभी कभी बोल देते, किसी को ध्यान नहीं रहता कि आर्टिस्ट को वो आपको भी कामनेस देना है कि वो भाई वो अच्छा फील करे तो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ हो जब बहुत सारा टेक हो गया हो उसके बाद, क्या कोई ऐसा सिचुएशन जो आप कभी नहीं भूल पाती कि यार वो दिन ना बहुत होता, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ टेक, बिकॉज ऑफ लोगों ने बहुत टोक दिया? हाँ, बहुत बार हुआ है। सबसे बुरी बार तो अभी अभी हुआ है, लेकिन मैं प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको तो सबको पता चलेगा कि कौन सी प्रोजेक्ट पर मैं कब स्ट्रेस्ड थी, और शायद डायरेक्टर को भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत रिसेंटली हुई थी मेरे साथ, कि मैं इतनी नर्वस थी कि मुझसे लाइन याद रहा ही नहीं रहा। आई जस्ट कुड नॉट रिमेम्बर। और किसी को भी ऐसे एक बारी भी किसी भी ने पूछा मुझसे कि क्या तुम नर्वस हो, और ये ये मुझे पूरी बहुत घटना, हैरान आप किया। मुझे, आप ये पूरी घटना बताइए कि हुआ क्या था, नाम किसी का नहीं लेना है ना प्रोजेक्ट का। नहीं, वो क्या था कि सेट बहुत बड़ी थी, एक्टर्स बहुत बड़े थे, और मेरे लाइंस भी काफी थे, और बस यही हुआ था कि मुझे नर्वस फील हुआ। बस
मैं इंसान विनोद फील हुआ। मैंने लाइंस को एक दो तीन चार पांच 10 बार रिहर्स किया, मुझे सब कुछ पता था। एग्जाम पे होता है ना, कभी कभी हम बहुत सीख के जाते हैं फिर ब्लैंक हो जाता है दिमाग। ये हुआ था मेरे साथ नर्वसनेस की वजह से। और किसी को मतलब आई डोंट नो, किसी को किसी सोच किसी किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि शायद इस लड़की को नर्वस फील हो रही है। किसी ने पूछा नहीं, तो मैं करती गई करती गई करती गई। इवेंचुअली हमने कट किया और जो फुटेज मिला बहुत ही अच्छा मिला, मगर मुझे बहुत नर्वस फील हुई थी। मुझे बहुत बुरा कि मैं और उसके ऊपर डायरेक्टर से थोड़ा नॉट वेरी गुड फीडबैक भी मिला, तो मुझे और भी बुरा। घर आके रोई कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली जो निकला बहुत ही अच्छा निकला। तो अच्छा, हम लोग उन 5 कामों की लिस्ट बनाते हैं जो माइलस्टोन बनते गए, पहला दूसरा तीसरा जी चौथा पांचवा। तो वो आप लिस्ट जी बनाइए ना अपने काम की जो माइलस्टोन बने। करियर के शुरू से आई थिंक पहले डीजे बनना, दूसरा मिस इंडिया, तीसरा एंग्री इंडियन गॉडेसेस, क्योंकि उसको मतलब वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील हुई। आज आज भी होता है बिकॉज ऑफ दैट सर। एंड देन आई थिंक दिस ईयर दिसंबर जनवरी मुझे बैक टू बैक दो अवार्ड मिले, एंड आई थिंक दैट फिफ्थ माइलस्टोन आई थिंक होने वाला है। आई हैव अ फीलिंग कि कुछ होने वाला है अब। 2015 ये वो था ना एंग्री इंडियंस गॉडनेस गॉडेस, तो इसके बारे में, क्योंकि ये आपके माइलस्टोन में आपकी लिस्ट में है, तो इससे जुड़ी कोई ट्रिविया जो आपको शूटिंग के दौरान की, और ये बहुत अच्छा लगा था मुझे इस फिल्म को देखते हुए, ऐसा लग रहा था कि मैं आपके साथ आपकी जर्नी में हूँ, हर कैरेक्टर के साथ, मतलब जब स्क्रीन पे जो आ रहा है वो मेरा है, ऐसा लग रहा था मैं जी रहा हूँ। तो मुझे कुछ तो बताइए उससे जुड़ी, मुझे भी अभी बहुत सारी धुंधली यादें हैं, वो विला याद है, वो गोवा याद है, बाकी आप बताओगे। आई थिंक कि पहला तो ये कि द 99.9% ऑफ दैट फिल्म वाज इम्प्रोव इम्प्रोवाइजेशन, तो उसमें हमारा एग्जैक्ट स्क्रिप्ट था ही नहीं, कि डायलॉग्स भी नहीं थे। सो इट वाज इन दैट सेंस वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने पूरा इम्प्रोव किया था। आई थिंक कि हम सब साथ में रहे और जिस घर में हमने शूट किया था उस घर के 5 मिनट दूर हम रह रहे थे, तो वो पूरा हमारा एक जैसा कम्युनिटी हो गया था। 60 दिन फॉर 2 मंथ वी जस्ट स्टेड इन दैट एरिया, साथ में खाए पिए पार्टी किए काम किए एवरीथिंग टुगेदर। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप एक हमारी हमारी दुनिया में अब्सॉर्ब हुए, क्योंकि हमने खुद वो एनर्जी बनाई थी वहां। और आई एम श्योर कि बहुत सारी फनी चीज भी हुई थी, क्योंकि 7 लड़कियां थी साथ में, तो इतना हम बात करके हंस के रो के साथ साथ में क्या कुछ नहीं किया हमने, तो अब मुझे याद नहीं आ रही है। लेकिन आई थिंक कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपको कभी भी बैड डे, इफ यू एवर हैविंग अ बैड डे, संध्या मृदुल, अनुष्का मनचंदा और पवलीन गुजराल गुजराल को साथ में रखे तो आप हंस हंस के मर जाते। मतलब ये दे आर जस्ट द मोस्ट फनीएस्ट फनीएस्ट पीपल एवर। एंड आई थिंक दैट इट वाज जस्ट द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ माय लाइफ ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें सबसे अच्छी दोस्त कौन बनी आपकी? आई थिंक दैट मैं बहुत क्लीशेड काम करूंगी, लेकिन हम सब बहुत ही क्लोज हो गए थे, बिकॉज इंडिविजुअली जैसे कि ऑन स्क्रीन मेरे मेरा राजश्री देशपांडे जो मेरे साथ मेरे घर में काम करती है, तो आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर, सो वी बिकेम वेरी क्लोज। अनुष्का और मैं तो चांदनी में काम करते थे, तो हम पहले से ही क्लोज थे। संध्या को मैं पहली बार मिल रही थी, लेकिन हमारा एनर्जी बहुत मैच हुआ तो हम भी बहुत क्लोज हो गए। अमृत इज अ सिंगर, मैं भी सिंगर हूँ, तो हम अक्सर साथ साथ में बैठ के
म्यूजिक के बारे में बात करती थी। तनिष्ठा का, मैं तनिष्ठा के साथ मेरी बहुत कनेक्शन हो गई थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत काम कर रही थी और मुझे इंटरनेशनल मार्केट में काम करना करने का बहुत इंटरेस्ट था। सो वी ईच हैड अ डिफरेंट कनेक्शन विद ईच अदर। तो वहां पे क्यों नहीं क्या बोलेंगे उसको, फील्डिंग करते या क्या, किस तरह से मतलब आप कर रहे हो अभी, आपका कोई एजेंट है? सॉरी, स्टिल आई डिडंट अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल मार्केट में आपने कहा कि काम करना है, जी तो वहां पर कोई एजेंट है आपका, या कैसे वहां पे फील्डिंग कर रहे हो या काम की तलाश कर रहे हो, कैसे वहां से जुड़ रहे हो या जुड़े हुए? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी की है काम। तो आई शॉट अ फिल्म, अ शो कॉल्ड अल्टीमेट बीस्ट मास्टर।